श्री पारस चंद्र जैन, ऊर्जा मंत्री। श्री पारस चंद्र जैन का जन्म 20 जून 1950 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ। श्री समरथमल जी तल्लेरा के पुत्र पारस चंद्र जैन ने बीकॉम की शिक्षा हासिल की। खेलकूद और कुश्ती में उनकी विशेष रुचि है। विद्यार्थी परिषद में पारस चंद्र जैन ने कई पदों पर रहकर संगठन का कार्य किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाई। पारस जैन पहली बार वर्ष 1989 में उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। बाद में वर्ष 1993 में भी इस क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। वर्ष 1998 में विधानसभा चुनाव में हुई पराजय के बाद पारस चंद्र वर्ष 2003 में संपन्न 12वीं विधानसभा चुनाव में उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। पारस चंद्र जैन को 1 जून 2005 को मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया। इस दौरान वन राज्य मंत्री का पद संभाला और बाद में ऊर्जा राज्य मंत्री का दायित्व भी सौंपा गया। पारस चंद्र जैन को 4 दिसंबर 2005 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया। दिसंबर 2008 में संपन्न विधानसभा चुनाव में चौथी बार विधायक निर्वाचित हुए। 20 दिसंबर 2008 को उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया। पारस चंद्र जैन 14वीं विधानसभा के लिए उज्जैन उत्तर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य निर्वाचित हुए। 21 दिसंबर 2013 को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। और मंत्रियों की जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।